ओके फाइन, चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर अवर सप्लाई। अभी ये लास्ट लेक्चर में जो पहले किया था ना उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। आप कोने में देख सकते हो वहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई पढ़ाया। ओके, सो नाउ इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या होता है, मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होता है। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है सिंगल सेलर और मार्केट सप्लाई के अंदर आता है मेनी सेलर। सो इंडिविजुअल का मतलब सिंगल, सिंगल सेलर। तो हम लोग को इसके अंदर क्या प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो थ्योरी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया था कि व्हेन सेलर का बिहेवियर एक्सप्लेन किया था, मैं करेक्ट और नॉट, सेलर का बिहेवियर एक्सप्लेन किया था। तो सेलर का बिहेवियर क्या कहता है, सेलर विल बी सेल मोर एट हायर प्राइसेस, सेलर ज्यादा सेल करता है ज्यादा प्राइस पे, और सेलर विल बी सेल एट अ लोअर प्राइसेस, मतलब कम सेल करता है कम प्राइस पे। तो हम लोग को प्रूफ करना है, अगर जैसे कि मार्शल ने बोला कि सर सेलर ज्यादा सेल करता है ज्यादा प्राइस पे, मार्शल ने बोला सेलर कम सेल करता है कम प्राइस पे, तो हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन दिए, सर ये जो थ्योरी है इट इज एप्लीकेबल फॉर वन सेलर और इट इज एप्लीकेबल फॉर मेनी सेलर। सो मार्शल ने बोला कि ये थ्योरी सारे सेलर्स के लिए एप्लीकेबल है, आइदर सिंगल सेलर होने दो या मल्टीपल सेलर होने दो, थ्योरी विल नॉट चेंज। तो हम लोगों ने प्रूफ करने के लिए मार्शल ने दो थ्योरी बताया, अगर सिंगल सेलर है तो भी बिहेवियर ऐसा ही रहेगा और मेनी सेलर है तो भी बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। तो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने देखा था इंडिविजुअल सप्लाई, वहां पर मीनिंग लिखा है वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब बहुत सारी कमोडिटी दैट अ सिंगल सेलर इज विलिंग टू सेल, बराबर सिंगल सेलर बहुत सारी कमोडिटी बेच रहा है वेरियस प्राइसेस पे ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सेलर, इंडिविजुअल सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है बहुत सारी कमोडिटी एक अकेला सेलर वेरियस प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बेच रहा है एक सेलर, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। और बाजू में हमने देखा था मार्केट सप्लाई, क्योंकि मार्केट में एक सेलर नहीं होता, मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो उनका भी मीनिंग यही है वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ऑल प्रोड्यूसर ऑल सेलर आर विलिंग टू सेल एट अ वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत सारे सेलर अपना प्राइस अलग अलग प्राइस पे अपनी कमोडिटी बेच रहे, उसको मेनी सेलर्स बोलते हैं। और वहां पर हम लोगों ने प्रूफ किया, टेबल में भी आप देख सकते हो, टेबल में प्राइस ऑफ कमोडिटी दिया है और सप्लाई दिया है, जब प्राइस 10 रुपया रहता है तो सेलर ज्यादा कम सेल करता है, और जब प्राइस 50 रुपया होता है तो सेलर 500 कमोडिटी सेल करता है। तो इसका मतलब कम प्राइस पे कम सेल होता है, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सेल होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था अगर मार्केट में बहुत सारे सेलर है तो उनका बिहेवियर कैसे रहता है, इसके लिए हम लोगों ने बड़ा सा एक शेड्यूल बनाया। शेड्यूल के अंदर आप देख सकते हो पहला कॉलम में प्राइस, दूसरा कॉलम में सेलर ए सेलर बी सेलर सी, और तीसरे में टोटल ए बी सी, सेलर ए सेलर बी सेलर सी तीनों का टोटल सप्लाई। ऊपर आप देख सकते हो जब प्रोडक्ट का प्राइस मतलब कमोडिटी का प्राइस जब 10 रुपया था तो सेलर ए ने 100 यूनिट सेल किया, सेलर बी ने 200 कमोडिटी सेल किया, सेलर सी ने 300 कमोडिटी सेल किया, तो टोटल सेल 600 हुआ, मतलब जब 10 रुपया था तो कम सेल हुआ, और जब प्राइस बढ़ गया सेलर का प्राइस बढ़ गया तो 50 रुपया हो गया, तो सेलर ए ने 500 यूनिट बेचा, सेलर बी ने 600 यूनिट बेचा, सेलर सी ने 700 यूनिट बेचा, टोटल हो गया उनका 1800 यूनिट उन्होंने बेचा। इसका मतलब कम प्राइस पे कम सेल ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सेल। ओके, और हम लोगों ने उसके बाद में डायग्राम भी निकाल के दिखाया आपको, डायग्राम में ये अपना एक्स एक्सिस से मार्केट सप्लाई, वाई एक्सिस से प्राइस ऑफ कमोडिटी, राइट। सो इस दोनों क्वेश्चन से ये प्रूफ होता है कि मार्केट में अगर सिंगल सेलर रहेगा तो भी थ्योरी चेंज नहीं होगी, और अगर मार्केट में मेनी सेलर्स होंगे तो भी थ्योरी चेंज नहीं होगी। थ्योरी क्या थी, थ्योरी ये बोल रही है कि जब प्राइस सेलर को ज्यादा मिलेगा या प्राइस सेलर को कम मिलेगा कम सप्लाई करेगा, और जब प्राइस सेलर को ज्यादा मिलेगा तब सेलर क्या करेगा ज्यादा सेल करेगा। तो दिस इज द प्रोड्यूसर थ्योरी। क्लोज फाइव, so now we are going to start the new question for the day, right? rough karne ke liye बोर्ड रफ करने के लिए वो काम है।
कुछ कपड़ा टी शर्ट वी शर्ट जींस जींस तो कल दोस्त क्या हो सकता है लड़के आया बूट पहुंचने के लिए आई वॉन्ट वन जोड़ी टी शर्ट और जींस की तेरा घर में हम लोग बोर्ड पहुंचने के लिए कपड़ा नहीं मिल गया चलो लेट्स स्टार्ट ऑल गाइस सप्लाई एनालिसिस थोड़ा आगे बढ़ेंगे अजम्पशन ऑफ सप्लाई करेंगे पहला पॉइंट नंबर वन पहले बोर्ड को मार्क कर लो बेटा कहां तक मुझे लिखना है पता चल जाएगा बराबर है कि नहीं क्योंकि मोबाइल के बाहर नहीं जाना चाहिए अपना थोड़ा और अंदर डन तो इसके अंदर अपने को लिखना है चलिए ठीक है तो पॉइंट नंबर वन है अपना पहला क्वेश्चन का नाम टेक्सटबुक का पेज नंबर 39 है और क्वेश्चन का नाम है अजम्पशन ऑफ लॉ सप्लाई अजम्पशन ऑफ लॉ सप्लाई क्वेश्चन का नाम और उसके अंदर अपने को फर्स्ट पॉइंट करना है कॉन्स्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है कॉन्स्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओके नाउ अब ये क्वेश्चन क्या है अब एक मिनट के लिए थोड़ा वापस से रीड करता हूं मैं ये भी सप्लाई का थ्योरी है ये ब्लैक मार्कर ले रहे हैं ये जो सप्लाई का थ्योरी है सप्लाई का थ्योरी क्या बोल रहे हैं बोलिंग सप्लाई का थ्योरी बोलिंग सप्लाई का थ्योरी प्राइस हाई लोअर सप्लाई हाई लोअर प्राइस लोअर सप्लाई लोअर उसी से सप्लाई का थ्योरी यस नो ओके जब ज्यादा प्राइस होती है सप्लाई ज्यादा सेल होता है सेलर ज्यादा सेल करता है जब कम प्राइस होती है तो सेलर कम सेल करता है दिस इज द थ्योरी ऑफ सप्लाई नाउ अब मार्शल क्या बोल रहा है मार्शल ये बोल रहा है देयर शुड नॉट बी नो चेंज कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज कांस्टेंट का मतलब क्या होता है नो चेंज नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हाट ही सेड दैट मार्शल What Marshall says that there should not be no change in cost of production. अब पहले ये जानना पड़ेगा cost of production का मतलब. जब cost of production का मतलब होता है, cost of production का मतलब होता है सामान बनाने का खर्चा. जैसे कि example simple, घर पे लड्डू बनाए हो, मम्मी ने कल 20 लड्डू बनाए, तो लड्डू बनाने के लिए कुछ खर्चा लगता है कि नहीं? क्या क्या लगता है घी लगता है रवा का लड्डू है तो रवा लगेगा घी लगेगा रवा लगेगा और भी कुछ उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स अगर आप डाल रहे हो काजू बादाम वो लगेंगे यस और नो सो दीज आर दी इंटीग्रेट मतलब इतना सब सामान लगेगा उसके बाद मम्मी गैस भी लगेगा थोड़ा उसका भी कॉस्ट ऐड कर देते मतलब सामान कितना लगेगा लड्डू बनाने के लिए दैट इज कॉल्ड अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो एक लड्डू बनाने का खर्चा है 10 रुपये एक लड्डू बनाने का खर्चा कितना है ये लड्डू बनाने का खर्चा कितना है
ओके फाइन सॉरी यार, सो ये हम लोग लट्टू बनाए थे, मेरी माँ लट्टू बनाती है और मैं उसको जाके बेचता हूँ, तो दिस इज द बिजनेस ऑफ माइंड, ये मेरा बिजनेस है। तो मेरी माँ ने जो रवा बादाम गैस जो भी चीजें लगती है लड्डू बनाने के लिए घी, ये सब बड़ा खर्चा करके एक लड्डू 10 रुपए का हो गया और वो लड्डू मैंने कितने में बेचा 20 रुपए। तो ये मेरा जो बनाने का जो खर्चा था उसको इंग्लिश में ये लोग क्या बोलते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बनाने के लिए खर्चा, कॉस्ट का मतलब खर्चा, प्रोडक्शन का मतलब सामान बना रहे ना, गुड्स बना रहे, जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं वैसे आप कुछ भी बना सकते, हैंकी बनाओ, टी शर्ट बनाओ, कोई भी मटेरियल कैन प्रोड्यूस, मार्केट बनाओ, डस्टर बनाओ, पेज बनाओ, एनीथिंग एनीथिंग यू कैन प्रोड्यूस राइट। सो एक्चुअली लड्डू बनाने का खर्चा मुझे लगा 10 रुपए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या बोल रहे हैं मार्शल कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी चेंज, क्या बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी चेंज, क्योंकि मेरा थ्योरी इसके ऊपर है, क्योंकि मुझे लड्डू बनाने का खर्चा कितना लगता है 10 रुपया, ये कॉस्ट है ना मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर, और उसको मैं बेचता कितने में हूं 20 रुपये, मेरा प्रॉफिट कितना है लड्डू के पीछे, हाउ मच आई अर्न, ओके आई अर्न 10 रुपीज प्रॉफिट बराबर कि नहीं। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द मार्शल ही सेड दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा तो सप्लाई चेंज हो जाएगा, कैसे नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दैट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पे अगर मेरा एक लड्डू बनाने का खर्चा कितना है 10 रुपये बराबर, अब ये 10 रुपए का मेरे को अगर यहाँ पे 17 रुपया लगेगा एक लड्डू बनाने के लिए, तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। अब मुझे एक लड्डू के पीछे 10 रुपया कमाना है तो मुझे लड्डू कितने में बेचना पड़ेगा 27 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाके मैं 10 रुपए कमाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, प्राइस क्या होगा बढ़ गया, बट समटाइम्स क्या होता है जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाता है। अभी मैं 20 रुपए की चीज अगर आप सडनली आपको 27-28 रुपए में आएगी तो सेल कम होगा, सो किसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए मार्शल ने क्या बोला there should not be change in the cost of production, if because the cost of production change supply will also बराबर है ना, पहले 10 रुपए का लड्डू 20 रुपए में मिल रहा था, अब बनाने का खर्चा मेरी मम्मी को 17 रुपए हो रहा है, तो 20 रुपए में कैसे बेचेगा मैं, अगर चलो मान लो मैंने 20 रुपए में भी बेचा तो मेरा भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, 3 रुपए मिलेगा, तो मेरा सप्लाई कम हो जाएगा, बिकॉज सेलर का बिहेवियर क्या बोलता है सेलर विल बी सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस और सेलर विल बी सप्लाई लो एट अ लोअर प्राइस, तो 3 रुपए मिलता रहेगा तो मैं कम सप्लाई करेगा बराबर है कि नहीं, तो किसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो दैट्स व्हाई मार्शल इज सेड दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी चेंज, बिकॉज इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज सप्लाई विल आल्सो चेंज, प्रूफ करके दिया मैंने भाई बोर्ड पे, ऐसे ही नहीं पढ़ाया था मार्शल का पूरा थ्योरी को मैंने कंसेप्ट वाइज मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया कि मार्शल क्यों बोल रहा है कि कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कांस्टेंट का मतलब ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कभी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे, प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई बदलेगा चेंज हो जाएगा। That's why he said that it is you assumption कर रहे हैं, क्योंकि practically ऐसे possible ही नहीं है ना, cost of production अभी 10 रुपए का लड्डू है आज नहीं तो कल तो price तो बढ़नी है, दूध बढ़ेगा क्योंकि दूध भी डालना पड़ता है इसके अंदर, दूध का price बढ़ता है, रवा का price बढ़ता है, dry fruits का price बढ़ता है, gas का price बढ़ता है, घी का price बढ़ता है, क्योंकि practically possible ही नहीं है कि cost of production कभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि cost of production तो बढ़ेगा, इसीलिए उसने क्या बोला है समझ में आया, अजम्पशन का मतलब क्या होता है समझो, इट अज्यूम दैट देयर शुड नॉट बी चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज़ इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज सप्लाई विल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बदलेगा तो सप्लाई भी बदलेगा,
ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट नंबर वन। नाउ वी गो टू द सेकंड नंबर, पॉइंट नंबर टू। कॉन्स्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, क्या लिखा है? कॉन्स्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये देखो प्रूफ कर दिया टेक्निक। ये मेरा ओल्ड टेक्निक है प्रोडक्शन का, ये मेरा मॉडर्न टेक्निक है प्रोडक्शन का। ओल्ड टेक्निक से ये मेरी मशीन है अंदर, अब ओल्ड टेक्निक से मैं अपने फैक्ट्री में 10,000 मार्कर प्रोड्यूस करता हूं पुराने टेक्निक से। अब मुझे बोलो मेरा प्रोडक्शन कितना हो रहा है पुराने टेक्निक से? 10,000। अब मैंने क्या किया, टेक्निक थोड़ा चेंज किया, जमाना बदल रहा है, तो नई नई मशीन लाई, आई वॉन्ट न्यू मशीन, बराबर ना, न्यू टेक्निक, बराबर ना। इससे मेरा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? 20,000। अब बोर्ड पे सब दिख रहा है, पुराने टेक्निक से मेरा प्रोडक्शन कितना हो रहा था? 10,000। नए टेक्निक से मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ? 20,000। तो इसका मतलब टेक्निक बदल रही है, प्रोडक्शन बदल रहा है, प्रोडक्शन बदलेगा तो डेफिनेटली सप्लाई भी तो बदलेगा, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे कम प्रोडक्शन है तो कम सप्लाई, यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन है ज्यादा सप्लाई, सप्लाई बढ़ रहा है ना, सप्लाई क्यों बढ़ रहा है? मॉडर्न टेक्निक की वजह से, टेक्निक चेंज होने की वजह से। इसका मतलब क्या हो गया? मार्शल क्या बोल रहा है? टेक्निक कभी बदलना नहीं। क्यों? टेक्निक बदलेगा प्रोडक्शन बदलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा सप्लाई बदलेगा, इसीलिए वो क्या बोल रहा है? नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इफ सेलर यूजेस न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या हो गया? सप्लाई चेंज हो रहा है, इसीलिए उसने क्या बोला है? इट अज्यूम दैट देयर शुड नॉट बी चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज़ इफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज सप्लाई विल आल्सो चेंज। दिख रहा है मैंने नई मशीन लाई, मैंने नया टेक्नोलॉजी लाया, 10,000 का 20,000 प्रोडक्शन किया, किसके वजह से? टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी बदलने से सप्लाई बदलेगा। और मार्शल बोल रहा है इसीलिए शुड नॉट बी चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज प्रोडक्शन बदलेगा, प्रोडक्शन बदलेगा तो सप्लाई बदलेगा, इसलिए उसने क्या बोला है? कॉन्स्टेंट, नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया? ओके, पॉइंट नंबर तीन, no change in weather condition, no change in weather condition। मार्शल बोल रहे हैं कि वेदर कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेदर कंडीशन चेंज हो जाएगा तो सप्लाई चेंज हो जाएगा। कैसे? कैसे? रेनी सीजन बारिश चालू है ना, बरसात हो रही कि नहीं हो रही घर पे? बराबर, बरसात के बाद क्या आता है? विंटर, बराबर। अच्छा, बरसात के सीजन में किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है? सिंपल एग्जांपल दो, अम्ब्रेला, छतरी,
दो अम्ब्रेला, ओनली छतरी, सिर्फ छतरी, उसके साथ रेनकोट। अभी रेनकोट को क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में नहीं पता, तो अपन रेनकोट ही बराबर। रेनी सीजन में किसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है, अम्ब्रेला छतरी का और रेनकोट, बराबर। अब थोड़ा सेम हो जाएगा, वेदर कंडीशन चेंज, ओ गॉड, वेदर कंडीशन चेंज, विंटर में छतरी कौन लेगा, रेनकोट नवंबर दिसंबर में पहन के घूमोगे, तो इनका क्या हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई किसका बढ़ेगा, अम्ब्रेला और रेनकोट, यहाँ पे सप्लाई किसका घटेगा, किसकी वजह से, वेदर कंडीशन चेंज, ये सर प्रूफ हो गया ना, वेदर कंडीशन अगर चेंज हो जाएगा तो सप्लाई भी चेंज हो जाएगा, इसलिए मार्शल क्या बोल रहे हैं, देयर शुड नॉट बी चेंज इन द वेदर कंडीशन, बिकॉज इफ वेदर कंडीशन चेंज सप्लाई विल आल्सो चेंज। आपको दिख रहा है, बरसात में छाता बिकेगा, विंटर में छाता नहीं बिकेगा, वेदर कंडीशन चेंज सप्लाई पॉइंट क्लियर, पॉइंट नंबर थ्री इज ऑल्सो क्लियर। पॉइंट नंबर फोर, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज गवर्नमेंट। अब मार्शल क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट प्लान एंड गवर्नमेंट पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज, कैसे, अब ये जो 10,000 मार्कर में बनाता हूं बेटा, ये किसको बेचता हूं मैं, किसको बेचता हूं मैं, चाइना, बिहार की नहीं, अभी गवर्नमेंट ने क्या अपना सडनली इंडिया और चाइना का क्या हुआ, युद्ध हो, मान मेरा सब प्रोडक्शन कहा, सप्लाई कहा होता है, मैं सारा प्रोडक्शन कहा करता हूं, चाइना, लेकिन सडनली आज रातों रात इंडिया और चाइना का वॉर हो, बराबर हो गया वॉर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नया पॉलिसी डालेगी, नया पॉलिसी क्या रहेगा, चाइना को सेल बंद करो, क्योंकि अपना दुश्मन, अभी पाकिस्तान के साथ कैसा अपना वॉर चल रहा है ना, हम लोग पाकिस्तान को ना कुछ बेचते हैं ना पाकिस्तान से कुछ करते, क्यों, अपना पॉलिसी, अपने पॉलिसी की वजह से हम लोग करते, तो गवर्नमेंट ने सडनली क्या किया, चाइना के साथ अपना पॉलिसी चेंज किया कि हम लोग आज से चाइना को ना कुछ बेचेंगे ना खरीदेंगे, ना इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, तो गवर्नमेंट ने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज किया, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज किया, इसके वजह से सप्लाई कम हो गया, क्यों, क्योंकि मैं तो चाइना को बेचता हूं, आरके किसको, गवर्नमेंट ने बोला कि चाइना को नहीं बेचना है, तो आरके बेच सकता है, नहीं बेच सकता, तो आरके का सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा ना, क्योंकि ये 10,000 मार्कर में किसको बेचता था, चाइनीज को बेचता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि चाइना को नहीं बेचना है, तो सडनली मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, ये चाइना को भी नहीं बेच सकता मैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है, पॉलिसी ने गवर्नमेंट ने बोला है, इसका मतलब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से क्या हो रहा है, सप्लाई चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, या फिर इंक्रीज या फिर डिक्रीज, चेंज हो रहा है, इसलिए मार्शल क्या बोल रहा है, इट अज्यूम दैट देयर शुड नॉट बी चेंज इन द गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी, इफ गवर्नमेंट चेंज देयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी देन सप्लाई विल आल्सो चेंज, सिंपल, बराबर कि नहीं, गवर्नमेंट ने अपने प्लान पॉलिसी चेंज किया तो भाई सप्लाई भी क्या हो जाएगा, चेंज, पॉइंट समझ में आया, ओके, नाउ वी गो टू द पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर
पॉइंट नंबर फाइव क्या है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देखो बेटा, हमने आपको बताया मेरा फैक्ट्री, ओ माय गॉड, मेरा फैक्ट्री, मेरा फैक्ट्री पहले कहां पर है? मुंबई, बराबर। अब मुंबई में है। अब दूसरा एग्जांपल, फैक्ट्री, फैक्ट्री देखो बेटा, केस वन पे लेते हैं पहले, केस नंबर वन, मेरा फैक्ट्री कहां पर है, मेरा शॉप कहां पर है, बराबर, मेरा प्रोडक्शन कहां पर होता है, मैं सेल कहां पर करता हूं, तो मुझे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, नहीं लगेगा ना, दोनों भी क्या है, मुंबई में, बराबर ना। ये फैक्ट्री से सामान निकालता हूं, ये देखो 10, और यहां पर जाके उसको मैं बेच देता हूं 20, 10,000 का सामान मैं मुंबई में सेल करता हूं 20,000, यस और नो, करेक्ट। और प्रॉफिट कितना कमाता हूं, बराबर। अब बेटा क्या हो गया, सडनली मेरा फैक्ट्री मुंबई का बंद हो गया, अब मेरा फैक्ट्री कहां चला गया, कोलकाता, बराबर। अब मेरा शॉप कहां पर है बेटा, बोलो, शॉप किधर है, मुंबई, शॉप कहां पर है, मुंबई। अब मेरा फैक्ट्री किधर है, अब ट्रांसपोर्ट लगेगा, कलकत्ता में सामान बनता है, प्रोडक्शन कहां हो रहा है, और सेल कहां हो रहा है, तो हम मेरे को प्रोडक्शन कितने रुपए का मिल रहा है, अब इसके अंदर क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट का कितना लग रहा है, 8,000, तो अभी 18,000 में मेरे को मिल रहा है, तो मैं बेचेगा 20,000 में, 2,000 कमाएगा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चेंज हो जाएगा, तो प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, सप्लाई भी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब देयर क्या बोल रहे हैं मार्शल, देयर शुड नॉट बी चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चेंज हो जाएगा तो सप्लाई भी चेंज हो जाएगा, बराबर है ना, पहले मुंबई के मुंबई में था इसलिए ट्रांसपोर्ट मुझे ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी फैक्ट्री सडनली कहां शिफ्ट हो गई, कोलकाता, अब कोलकाता से मुंबई में लाने के लिए ट्रक टेम्पो का भाड़ा देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट बिल देना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट का ऐड होगा तो सप्लाई भी चेंज होगा, और समझ में आया, इसलिए मार्शल क्या बोल रहे हैं, देयर शुड नॉट बी चेंज इन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बिकॉज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चेंज होगा तो सप्लाई भी चेंज होगा, समझ में आया, वेरी गुड। सब पॉइंट को मैं एग्जांपल देके क्लीन कर रहा हूं बाबू, ये बुक में पढ़ के नहीं समझेगा आपको। पॉइंट नंबर सिक्स, प्राइस ऑफ अनदर गुड शुड नॉट बी चेंज, मतलब टी एंड कॉफी, बराबर। मुझे को बताओ बेटा क्या बोला है, प्राइस ऑफ अनदर गुड्स कॉन्स्टेंट लिखा है ना, कॉन्स्टेंट, प्राइस ऑफ अनदर गुड शुड बी कॉन्स्टेंट। अब मैं तुम लोग को पूछता हूं, तुम लोग क्या करोगे, बोलो, अब चाय कटिंग, एक कटिंग चाय टपरी में कितने रुपए का मिलता है, 10, बराबर, एक कटिंग कॉफी टपरी में कितने रुपए का मिलता है, 10, बराबर। अब सडनली क्या हो गया, चाय के प्राइस कितने हो गए बेटा, और कॉफी के प्राइस कितने हैं, अब बोलो आप क्या पियो, बोलो, मुझे लगता है कि सब घर पे चाय पीते, ज्यादातर लोग 90% लोग अपने मुंबई में चाय पीना पसंद करते, टपरी पे जाके कोई कॉफी ज्यादातर मांगता नहीं, तो चाय का भी प्राइस 10 रुपया है, कॉफी का भी 10 रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो दोनों के क्या है सेम है, बराबर है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया चाय के तो क्या और कॉफी के प्राइस कितने हैं सेम, चेंज हुआ है प्राइस चेंज हुआ है तो डिमांड अभी घर को बोलो अगर कॉफी के प्राइस तो उतने ही है ना तो लोग ज्यादातर क्या पियेंगे अभी तो सप्लाई चेंज हो रहा है, चाय का सप्लाई कम हुआ बराबर है कि नहीं, चाय का सप्लाई घट गया ना क्योंकि ज्यादा लोग अभी क्या पीएंगे कॉफी तो किसका सप्लाई बढ़ेगा कॉफी का बराबर, किसके वजह से हुआ प्राइसेस चेंज होने की वजह से, अगर चाय का प्राइस बढ़ता ही नहीं तो कॉफी का सप्लाई कैसे बढ़ेगा बराबर है कि नहीं, इसीलिए मास्टर क्या बोल रहे हैं ये जो प्राइस ऑफ अनदर गुड शुड नॉट बी चेंज, अगर इसका प्राइस चेंज नहीं हुआ रहता तो सप्लाई कॉफी का तो भी नहीं बढ़ता, समझ में आया, इसलिए प्राइसेस ऑफ अनदर गुड शुड नॉट बी चेंज बिकॉज इफ प्राइसेस ऑफ अनदर गुड्स चेंज सप्लाई विल आल्सो चेंज, समझ में आया। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अरे तुम लोग एक क्वेश्चन पूछता हूं बेसिक लेते एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं, आज आज तारीख कितना है 14 जून बराबर, और यहां पर तारीख लेते हैं 25 जून, सब दुकान में जाते हैं कांदा वांदा खरीदी करने के लिए, 1 kg ओनियन कितने का मिलता है बेटा कितना 25 rupees kg, ओके 25 rupees per kg, 1 rupee मतलब 25 रुपए का 1 kilo मिलता है कांदा, क्या ओनियन, अपन ओनियन नहीं बोलेंगे बेटा ओनियन बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, अपन उसको कांदा बोलेंगे, कांदा 1 kilo का कितने का रुपए, 1 kilo का कितना रुपए जाता है पैसा 25 रुपए जाता है मतलब 25 rupees per kg, 1 kilo का 25 रुपए। अब मैंने तुम लोग को बोला, मम्मी ने तुम लोग को बोला जा बाबू जा 25 रुपया किलो है 10 kilo कांदा लेके आ मार्केट, आप थैली और 250 रुपया लेके मार्केट की तरफ चले गए क्या लाने के लिए कांदा, अब सडनली रास्ते में आपको आरके मिल गया, आरके ने बोला कहां जा रहे हो, तो आप लोग बोले सर कांदा लाने जा रहे, तो मैंने क्या बोला बाबू अभी कांदा मत ले 25 तारीख के बाद ले, क्यों सर 25 तारीख के बाद कांदा 10 रुपया किलो होने वाला है, कितना 10 रुपया किलो, 1 kilo का कितना होने वाला है कितना होने वाला है, अब आप क्या करोगे 14 तारीख को कांदा लोगे या 25 तारीख तक कांदा लेने के लिए वेट करोगे, आप बोलो क्या करोगे, एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा 25 रुपए किलो का कांदा लेके आएगा या 10 रुपए किलो के लिए वेट करेगा, तो इसका मतलब आपने क्या किया यू आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर चेंज इन प्राइस, आप वेट कर रहे हो कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा क्योंकि मैंने बोला, अब आप बोलोगे आगे ने बोला तो सही रहेगा 25 रुपए लेने से अच्छा 10 दिन रुक जा रही हूं 10 रुपए में 100 रुपए में 10 kilo आ जाएगा, अभी 150 रुपए ज्यादा जाएगा मेरा, इसलिए आपने क्या किया 1 kilo ही लिया जितना 10 दिन में लगता है बराबर, और बाकी का 9 kg आपने बोला फ्यूचर में लेंगे, ये सर लो, तो इसका मतलब फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन के प्राइसेस के वजह से आपका सप्लाई आज ना टुडे मेरा सप्लाई कम हुआ क्योंकि आपने ये सोचा कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगी इसलिए आपने ज्यादा परचेस नहीं किया, ज्यादा परचेस नहीं किया इसलिए सप्लाई भी कम हुआ, और सप्लाई कहां बढ़ेगा अभी फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है कम प्राइस में कांदा मिलने वाला है, तो सप्लाई कब बढ़ेगा फ्यूचर, सप्लाई कब होगा आज, समझ में आया, किसके वजह से कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस के वजह से फ्यूचर चेंज इन प्राइस, कंज्यूमर ये सोच रहा है कि फ्यूचर में यही कांदा मेरे को 2 रुपया किलो में मिले
किलो, बराबर है ना। तो आज का सप्लाई कम हुआ, फ्यूचर का सप्लाई बढ़ जाएगा, लेकिन किसके वजह से? कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस के वजह से। समझ में आया? तो इसके वजह से सप्लाई क्या हो गया? आज का कम हुआ, फ्यूचर का बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई तो चेंज हुआ, सप्लाई तो चेंज हुआ, इसके वजह से कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस के। ठीक है, देखो सारे सारे पॉइंट खत्म किए मैंने, यस और नो? और मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट भी रहेगा। एनीवन हैज एनी डाउट इन एनी पॉइंट्स? काइंडली प्लीज लेट मी नो। सब लोग पटापट पटापट आंसर दे दो। सब को समझ में आया? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यार दृष्टि कल से रही है, दृष्टि कौन से रही है? राजू गुप्ता, प्रीति, पूनम, सबको समझ में आया है दृष्टि? नो डाउट सर, वेरी गुड दृष्टि। अच्छा एक बात दो, वेडनेसडे से आपको क्लासेस में आना चालू है, आपका एंट्री ओपन हो चुका है, टाइम थोड़ा सा चेंज करेंगे लेक्चर का, और आपका ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा वेडनेसडे से। सो वेडनेसडे को ओपनिंग रहेगा, संदीप सर का कल लास्ट लेक्चर रहेगा आपको ऑनलाइन में। हाँ लेकिन एक बात आप याद रखो, आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ रनिंग दोनों चलते रहेगा। तो जो लोग लंबे लोग रहते हैं जैसे अलीशा, अलीशा बहुत दूर रहती है, मीरा रोड रहती है वो, तो अलीशा मिली की सर मैं कैसे आऊंगी, मेरे को नहीं आना मिलेगा सर, बहुत ट्रैफिक रहता है सर, फिलहाल एक डेढ़ महीना पॉसिबल नहीं है सर। तो अलीशा एकदम करेक्ट है, तो अलीशा के लिए और अलीशा जैसे लोग बच्चे लोगों के लिए हम लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चालू रखेंगे। सो ये मस्त से आपको बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बोथ यू कैन अटेंड। जिनको पॉसिबल है वो लोग क्लासेस आके अटेंड कर सकते हैं, जिन लोग को पॉसिबल नहीं है वो लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, कितना अच्छा है वो लोग। ठीक है, हाँ अब तुम लोग के लिए थोड़ा सा एक बैड न्यूज भी दे देता हूँ। तो कल आपका लेक्चर अकाउंट्स का रहेगा, लेकिन जिस दिन वेडनेसडे आप आओगे मॉर्निंग में 8:30 बजे आपका इको का फर्स्ट टेस्ट रहेगा, और चैप्टर का नाम है डिमांड। 25 मार्क्स का होगा भैया, तो डे इज ओपन विथ टेस्ट, क्योंकि बहुत टाइम से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, एक महीने से टेस्ट नहीं हुआ, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट योर डे विद द टेस्ट। और यहाँ से तो कोमल चलो, तो आप लोगों के लिए एक न्यूज है, कल का लेक्चर आपका सिर्फ आप नहीं आ सकते, लेकिन वेडनेसडे से, थर्सडे से, फ्राइडे से, सैटरडे से, संडे से आपको ऑफलाइन लेक्चर के लिए खुल जाएगा मौसम। ठीक है, तो आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन Both lectures you can attend from Wednesday. So Wednesday को पहले आपका 8:30 बजे सवेरे इको का first test होगा, chapter का नाम demand है, questions मैंने आपको बता दिए,
लॉ ऑफ डिमांड हो सकता है, अजम्पशन ऑफ डिमांड हो सकता है, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड हो सकता है, इंडिविजुअल डिमांड हो सकता है, मार्केट डिमांड हो सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग टू द डिमांड, ये सात क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। ये सात में से आपको कोई भी चार क्वेश्चन आपको अच्छे से लिखने के लिए आएंगे। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछना है तो लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन, लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, ये तीन क्वेश्चन अच्छे से करो। उसके साथ साथ मैं आपको और एक क्वेश्चन डालूंगा इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में से एक क्वेश्चन आएगा। मतलब ये चार क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कौन सा आने वाला। एक लॉ ऑफ डिमांड मैं लिख देता हूँ, आपको लिखना है तो लिख लो। मतलब मैं क्या डालने वाला क्वेश्चन वो भी बता देता हूँ, लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन डिमांड और इंडिविजुअल सब डिमांड और मार्केट डिमांड, ये दोनों में से एक कोई भी क्वेश्चन है या दोनों भी आ सकते हैं पांच पांच मार्क्स के लिए। तो ये फाइल आपका हो गया 25 मार्क का पेपर आपके सामने बोर्ड पे, 5 मार्क्स का लॉ ऑफ डिमांड, 5 मार्क्स का अजम्पशन ऑफ डिमांड, 5 मार्क्स का एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, 5 मार्क्स के लिए इंडिविजुअल डिमांड, 5 मार्क्स के लिए मार्केट डिमांड, ठीक है। टोटल टाइम आपको मिलेगा डेढ़ घंटे का, डेढ़ घंटे में पेपर होगा 25 मार्क्स का। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करो, जो लोग ने लेक्चर अटेंड नहीं किया मेरे वीडियो वहां पर रहेंगे, नहीं हुआ रहेगा वापस से रिवाइज करके वीडियो देख सकते हो, मोबाइल है ना आपके घर पे, अगर लेक्चर नहीं तो वीडियो देख लो, वीडियो में सब पता चलेगा कोई डाउट आया तो। और अभी कोई डाउट पूछना नहीं आप मुझे, मैंने वीडियो भेजा हुआ है, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा ना मेरे को चाहे मैंने इनको का लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो पहले नहीं अटेंड किया तो मैंने वीडियोस भेजे हुए सारे वीडियो, दृष्टि मालूम है वापस से पढ़ाऊंगा सब कुछ, दृष्टि फिलहाल तो आप वीडियो देखो और जब आप मुझसे मिलोगे ये सब कुछ दोबारा पढ़ाऊंगा, जितना मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया ना अकाउंट से लेके इको तक सब कुछ दोबारा पढ़ाऊंगा बेटा, तू काहे टेंशन ले रही है, तेरे को दोबारा पढ़ाऊंगा, शुरुआत से सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, जितना भी मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया ना उतना सब कुछ मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। सो फिलहाल लेकिन कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। सो बेस्ट पार्ट क्या है, जो लोग अटेंड किए सारा लेक्चर एटलीस्ट दे हैव टू ट्राई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डेली करेंगे तो बोर्ड में प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि एक साथ पढ़ने बैठोगे तो डेफिनेटली प्रेशर आएगा, सही है ना, सही बात है कि नहीं। तो जैसे अभी इको का मैंने एक टॉपिक खत्म किया तो उसका एग्जाम रख देते हैं, बाद में उसके फाइनल अकाउंट का एक एग्जाम रख दूंगा, उसके बाद सप्लाई चल रहा है, जैसे सप्लाई खत्म हो जाएगा उसका एग्जाम, जैसे एक चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो हम लोग का पढ़ाई मेंटेन रहेगा, तो हम लोग को बाद में प्रेशर नहीं आएगा, है ना, बराबर कि नहीं बेटा। तो चैप्टर वाइज अपना एग्जाम होगा ना तो आप लोगों के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं, बर्डन नहीं आएगा। सो समझ में आ रहा है ना बेटा सबको, आप लोगों को वेडनेसडे 8:30 बजे मॉर्निंग में क्लास में एग्जाम के लिए आना है, और बाद में थर्सडे से आपका ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट रहेगा हमेशा के लिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन का भी है ऑफलाइन का। अब आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन नहीं अटेंड किया है उन सबको इन्वाइट करो, सबको बोलो, और जो अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स है जो आपके फ्रेंड या फिर आपके भाई बहन या फिर ग्रुप में जो लोग लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं डेमो वन उनको लेके आ सकते हो गुरुवार से, क्योंकि एग्जाम के लिए कोई आएगा नहीं। चलो इसी से चलते हुए आप मुझे आज्ञा दीजिए और हम चलते हैं, आप भी अपना काम करते रहिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे बुधवार को, क्योंकि कल है मंगलवार, मंगलवार को लेते हैं संदीप सर, मैं लूंगा, मैं बुधवार को क्लासेस में रहूंगा, बट यू कैन नॉट आस्क मी डाउट, डाउट यू कैन आस्क मी ओनली आफ्टर वेडनेसडे, गुरुवार से आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, ड्यूरिंग द एग्जाम नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो गुरुवार को ऑफलाइन के लिए डेफिनेटली मिलेंगे और वेडनेसडे को
एग्जाम के लिए। आई रिपीट अगेन, अगर किसी को लगा रहेगा कि सर ये टॉपिक मैंने अटेंड नहीं किया, तो भाई डरना मत, टेंशन लेना मत। मैं फाइनल अकाउंट से लेके डिमांड तक और डिमांड से लेके सप्लाई तक सब दोबारा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, स्टार्टिंग से ऑफलाइन। बाय बाय, गेट लॉस्ट।